हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग में स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। साढ़े छः बजे से आप सब लोग कैसे थे? ठीक ही होंगे, हम लोग बिल्कुल ठीक है। और आज सुबह सुबह मैं नहा धो के पूजा पाठ करके और बच्चों के लिए बनाया नाश्ते में, ठीक है मनु, हाँ बनाया मैंने नाश्ते में, वो भी बनाए हैं नमक मिर्च वाले, मसाले वाले नहीं, चीनी वाले। बच्चों को चीनी वाले ज़्यादा पसंद है तो इसलिए जब दीदी ने भुट्टा को दे दिया है अपने रिबन लगाने के लिए, और भुट्टा में ये देखो बता नहीं किसका कपड़े का फुकरा बांधा था फाड़ के, और आज दीदी ने रिबन दे दिया है, अब भुट्टा बना रहे हैं। नहीं बनाती है ना? हाँ। आप भुट्टा बनाए क्या से? नान से। देखो अभी कबूतरों की लड़ाई हो रही है। WWE चल रही है गाइस, कबूतरों की WWE, और वो पंचायत ऊपर से देख रहा है, कौन जीतेगा। हाँ। ये एक साइड में बैठा है वो, खाने के लिए हो रही होगी। मेरे जाने लग गए स्कूल, बाय बाबू, अभी मत जाना, उस शहर को जब बस आएगी तभी जाना। आप भी छोटा की ओर चले गई है बस, बाय पंडू। अभी दुकान से ला गई है, ये प्लेट तो घर से ली है, खाली ग्लू और ये क्या है, क्या बोलते हैं यार इसको, लेस और कलर, और इससे क्या करने वाले हैं मंतु, स्कूल के लिए ना, फिर कल दिखानी स्कूल में या परसों? अच्छा तो फिर अच्छा तो फिर मंतु बोल रहे मम्मी स्कूल के लिए भी हो जाएगी, हमें घर में फिर राखी बांधने के लिए भी अच्छी प्लेट बन जाएगी ना। चल अब बना भी, मैं थोड़ी देर में और आऊँगी तेरे पास, ठीक है? तो आ गए मेरे से पूछने के लिए, मम्मी कौन सा लैस चाहा, ये भी तो मैच हो रहा है बिल्कुल, देख बराबर ये मंतु अब कपड़ा है नहीं फिर उसका बोलना बोलना। चल कोई नहीं, ये भी सुंदर लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, देख इसमें मैच भी कर रहा है। मंतु आप से, मंतु प्लेट में लगाने के लिए कपड़ा भी मिल गया ना मंतु को, वही जा मेरे चेल चापा अल्लाह ले गई प्लेट बनाए वाला लागा चाप यू दिगड़ियो मेरे चेल चाप न्यारो बनाला। अब यार मनु थोड़ा यहाँ पे देख, थोड़ा सा यहाँ पे लेस खुली है, देखिए हल्की सी यहाँ पे देख दिख रही है, और सुन ये कितना सुंदर लग रहा है, और राखी वाले दिन तो भैया को आराम से ये थाली बना लेना, फिर अच्छे से रख देना इसको, हर साल ये थाली तेरी हो जाएगी ना, स्कूल का भी हो जाएगा काम और घर में राखी का भी, तो बड़ी लग रही ना, कत सुंदर बनाया चाह अल्लाह थाल ले गजू, कत सुंदर बनाया चाह इसी कथा हजमान थाली जी, ये पिठा गोलना बचा भाई बोतल टक्कना न्यारा यू चिपका ले लेने कदो मस्त लग रही। और मनु जैसे अगर तू अभी तूने जल्दीबाजी में ये करा है ना, जैसे कल स्कूल लेना है करके ना मनु, फिर बाद में तो इसमें सिलाई भी कर सकती है, टेप निकाल देना और चारों ओर सिलाई, बहुत सुंदर लगेगा, कोई बात नहीं, ये कल स्कूल के लिए रेडी हुई, जब तू स्कूल से आ जाएगी ना फ्री होके राखी के दिन तक तू इसको सिल भी लेना, देखो मेरी लड़की का टैलेंट, मेरी चेली सब चीज में फर्स्ट है, वहाँ जमा उन ना थे खाली दिखा ला, फिर जय थाल सब ना बड़ी होल वो नंबर मिला ला ना मनु, ये तो होगा अब क्या होता है, प्यारा लग रही है, वाओ सब्बा चेली दगड़े पति देव आई एंड जंतर बड़ी है ना दिखा की आयुष ले ना आयुष तो की लाचा समोश और ये कुछ कुछ वाले टेस्टी होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन तो भी बहुत अच्छा लगता है, तो पति देव तभी यही लाए हैं, अभी बड़े वाले तो अच्छे नहीं लगते हैं, कभी कभी लाए जाते हैं बड़ी भी, तो अब हम पूरी फैमिली खाएंगे समोसे। अम्मा हम जी अम्मा तो खाती नहीं है, अम्मा को जलेबी पसंद है, अम्मा हर चीज़ खा रहे थे, मोमो चाउमिन और समोसे नहीं खाते, वो तो हाथ में ही पी रहे हैं, बता कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, चाय पी रहा है मम्मी ने डाला कोल्ड ड्रिंक लीटर बताओ फिर कोल्ड ड्रिंक दूध पी लेंगे चटनी क्या मस्त है, कहाँ लाए किस कहाँ लाए
जो चला ना चटनी का हांगा बनेगा मजा आ गया। तो मम्मी लाई थी बर्थडे वाले दिन आयुष के कोल्ड ड्रिंक ऐसी रखी है जो नारी लाई थी आयुष। अब अभी हम लोग पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो बुड्ढा देखो सबसे पहले पकड़ रही है दिलास तुम लाए पगले। वो पी मैं मुझे मैं तेरे को गाहा हूँ मिला तुम वहाँ मैं रहती हूँ तुम समो है आयुष का क्या नाल कुत्ते को बोला मेरा आयुष यहाँ पे समोसा खा रहा था और रैम्बो चले गया नल में तो मेरा बाबू यहाँ से उठ के रैम्बो को पानी पिला के आ भी गया ना। गाय 24 समोसे खाने में यहाँ 2 मिनट भी नहीं लगे। कमा गम डकार भी आने लग गया। मैं तो अब रोटी नहीं खाने वाली भाई इतना खा दिया। ये आयुष फिर अभी वो पी रहा है मिल्क शेक फिर अभी और कोल्ड ड्रिंक। चलो आप फटाफट कहाँ घुसोगे कहाँ जाओगे क्या है कहाँ जाओगे आप पढ़ाई करने सीधा निकल दो पढ़ाई करने दोनों भाई बहन 8 बजे तक मत उठना। अब अंदर से ठीक है अब मेरा वाला होने दो फिर करूंगी। ठीक है अभी तो राखी वाला कर ले अपना बना ले। मंजू ने आयुष राखी की पूरी थाली की तैयार कर दी है और राखी भी एक राखी इसके लिए राखी भी बनाई इसके लिए राखी भी बना दी है। इसको भी स्कूल ले जाने है इसको राखी लाने की तुझे थाली ना हाँ। कोल्ड्रिंक बनाने ये कोल्ड्रिंक पीते डकार आते हैं बहुत। तो गाइस अभी दीदी ने बनाई दीदी को स्कूल से मिला था राखी मतलब राखी की थाली सजाने वाला था दीदी ने बनाई है। पहले दीदी चिपका रही थी ग्लू से फिर मम्मी ने बोला कि टेप सिल दे और टेप से चिपका दे थोड़ा फिर सिल भी दे तो जिन्हें ऐसा करा अभी देख रहा कि टेप सिल दे और ये बनाई है मेले ये मैं ले जाऊँगा कल स्कूल। इसमें थोड़ा सा दीदी ने करा है थोड़ा सा मैंने ये देखो हाँ अच्छा बना है थोड़ा सा तो नहीं सब मैंने करा है कितना प्यारा लग रहा है। अब देखो इसमें थोड़ी ना प्लेट में थोड़ी ना राखी में ये पहले मायने यहाँ पे टेप चिपकाए थे फिर मैंने सिलवा वो सिलाई करना वाओ कितनी प्यारी लग रही है। राखी में बोल रहा हूँ प्लेट में नहीं राखी किसने बात की राखी तो 5-6 राखी बात के लाया था और हाथ में और खोली की भी राखी किस किसने बाधा फिर नाम बता सब बहनियों का। एक तो बस में बाधा वो अर्पित जी ने जो पिछली आते हैं वो पंजाबी फिर एक क्लास में बाधा अंकिता ने नवजोत ने 3 खुशी ने 4 एक और किसी ने बाधी थी 5 हाँ 5 राखी थी। अच्छा सब पंजाबी है क्या ये या कोई पहाड़ी भी है तो। अच्छा 2 पंजाबी और 2 पहाड़ी है। नहीं जब राखी ऐसा होता है तो तुम वो क्यों नहीं लेके जाते हो अरे वो क्यों नहीं लेके जाते हो मैम ने मना करा था क्या वो तो बच्चों ने छुप के बात की राखी क्यों करा मैम ने मना पता नहीं और क्लास में नहीं था हमारी क्लास में था मना बस आज मैम ने करा था क्यों करा था पैसे अगले हाल से पैसे भी लाना सब बहन दीदी लोग जितने भी चॉकलेट लाना अगले बार से ना राखी के एक दिन पहले जैसे ऐसा होता है ना चॉकलेट नाला जब वो राखी बांधना ना तुम लोग चॉकलेट दे अगर बाहर चॉकलेट ला लेना ना सब राखी आके बाद ना। और दीदी ने किस किस को बाधा चल वो मैं दीदी से पूछ लूंगी किस किस को बाधा दीदी ने कहा राखी यार राखी का और तेरी जो घड़ी बनाई थी तूने तारीफ हुई नहीं हुई उस सॉरी राखी बनाई थी जो उसकी तारीफ हुई नहीं हुई हुई
सब लोग दोस्त रहो, सपना क्या है तेरे मयंक अंक ये लोग सब लोग। चल आज क्लास में कितने कितने भाइयों को राखी बांधी? मैंने 10 को बांधी। नाम बता। कार्तिक, कुणाल, शिवराज, निशान, अंकित, अक्षर, जीत और हरजोत, तेजस। अच्छा, और थाली ला गई? हाँ, ये इसके वहाँ पर गैस सूखने को रखी है। हाँ, इसके पीछे भी कलर कर। अच्छा, क्या क्या दिया फिर उनने? अच्छा, कुछ ऐसी बना दी है अब अपनी थाली। अब मैम क्या करती, बनते स्कूल में सबमिट करोगे करती? ये तो क्या बोला नहीं, तो क्या बोलती आप, सबसे अच्छी तेरी थाली लगी? अरे मैम ने सबसे, अरे मेरी थाली देखी मैम को अच्छी लगी ना, तभी स्कूल में सबमिट करोगे। तूने बोला होगा नहीं ना, क्यों करनी है हला, क्यों करनी है सबमिट? अब अभी राखी वाले दिन अपने भैया को राखी बांधी, ऐसे कर दिया बंतु ने पीछे से, ये ऐसे पकड़ से देखा और आगे से दिखा ये मंतु ने ऐसी थाली बना दी है। ओ दगड़ियो, आज ब्लॉग में अब यहीं ख़त्म करूँ, अब मैं मिलूँ तुम्हें भले तुहर ब्लॉग में, और बाय बाय। खूब प्यार दिया मेरे ब्लॉग में।